समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। राज्य में बीजेपी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्ज माफी को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को लेकर कहा कि जब सब सामान आप बाहर से खरीद रहे हैं तो डिफेंस कॉरिडोर में कौन क्या बनाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि ये बैलगाड़ी से ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की शौचालय योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें और आपको शौचालय में उलझा दिया। ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 करोड़ रुपये की होगी। पता नहीं शौचालय पर सरकार का इतना जोर क्यों है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि शौचालय की योजना के बहाने ना जाने कितना पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है। वहीं अखिलेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शौचालय में देश को उलझाकर आपने अमेरिका से हेलीकॉप्टर का सौदा कर लिया। राफेल का सौदा पहले से हो रखा है। इसराइल से भी न जाने कितनी डील हो गई है। रशिया को भी आप पैसा दे आए हैं। इसके अलावा अखिलेश ने और भी मुद्दों पर मोदी सरकार पर हल्ला बोला है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.